क्या बाल एक बार पूरा झड़ने के बाद फिर से वापस आ सकता है? जरूर आ सकता है। तो ये वीडियो देखिए पूरा, आपको पूरा मालूम चलेगा कि बाल कैसे वापस आता है। अगर आपको जेन्युइनली बाल चाहिए अपना, तो वीडियो जरूर वॉच कीजिए पूरा, 20 मिनट स्किप मत कीजिए। मैं आपको टोटली बताने जा रहा हूँ अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं किस किस तरह से गुजरा हूँ। आप मेरा बाल देख ही सकते हैं, कोई भी फेक नहीं है, ना मैंने कुछ हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, ना कुछ कराया है। जस्ट सिर्फ मैं स्टार्टिंग में आपको कुछ चीज कह दूंगा। जैसे आपका बाल हो गया ना, आप ऐसे करके देख लीजिए, जहाँ पे आपका बाल नहीं है वहाँ पे अगर छोटा छोटा भी आपका वो है ना, जस्ट बाल पतला पतला दिख रहा है, तो दैट मीन्स आपका बाल जरूर वापस आएगा। 100% हम गारंटी देता है, 100% 3 to 4 मंथ हम जैसा बताया है वैसा ही कीजिए। इसमें कंप्लीट हम आपको पैकेज देने वाला है, कंप्लीट बताएगा क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करके ही जाइए। अगर आपका लेकिन पूरा चिकना हो गया, लाइक जो फोरहेड में जैसे आप देख रहे हैं ना, पूरा एकदम चिकना हो गया, तब तो आपका साथ कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर आपका बाल ऐसा हो चुका है तो आपका साथ एक ही रास्ता बचता है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। आप हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं कोई भी डर्मेटोलॉजी में जाके अच्छा वाला। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, मेरा ये मोबाइल का फ्रंट कैमरा मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन जो जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सब प्रोडक्ट आपको मैं इसमें दिखाएगा तो थोड़ा उल्टा जरूर नजर आएगा उसमें जो लिखा हुआ है। लेकिन मैं थंबनेल में आप देख सकते हैं क्या क्या प्रोडक्ट है, और वो सब प्रोडक्ट का लिंक भी मैं नीचे अमेजोन का लिंक आपको छोड़ दूंगा, तो वहां से आप सीधा सीधी जाके परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये है डर्मा रोलर। आप सबको पता होगा शायद डर्मा रोलर के बारे में, काफ़ी सारा कंपनी का आता है। ये मेरे साथ है बॉम्बे शेविंग कंपनी का जो डर्मा रोलर। ये लड़का लोग इसको यूज़ करना चाहिए एक्चुअली, हेयर ग्रोथ के लिए ये होता है। 0.5 mm का ये काफ़ी शार्प आपका निडल होता है इसमें, ये देखिए काफ़ी शार्प निडल होगा ये। जस्ट आपका देखिए, हम लोग का जहाँ पे बाल नहीं होते ना, आप एक चीज़ जज कीजिए, आपका यहाँ का हेयर और यहाँ का हेयर एंड बैक साइड हेयर आपका कभी लूज नहीं होते, कभी भी आप बूढ़ा हो जाने से भी यहाँ का बाल तो रहेगा आपका। यहाँ से जा सकता है ये, यहाँ से क्राउन एरिया से जाएगा बाल। तो रीज़न क्या है, सबसे पहले आप सुन लीजिए। रीज़न ये है कि यहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच पा रहा है, एंड यहाँ पे भी नहीं पहुँच पा रहा है। आप नॉर्मली देखिए, अगर हम लोग बात करने से भी बहुत सारा चीज़ ये जगह चीज़ हिलता है, हम लोग का हिलेगा मतलब हिलता है, तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन होगा। और सोते वक्त कुछ हिलते वक्त यहाँ तो टच होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे टच नहीं होता है, यहाँ पे टच नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग को अपना आप ब्लड सर्कुलेशन कराना होगा। तो वो कराने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये चाहिए डर्मा रोलर। तो आप इसे यूज़ कीजिए, मिनिमम आप 3 to 4 मंथ यूज़ कीजिए। इसे कैसे यूज़ करने मैं आपको बताऊंगा। इसे आप जहाँ जहाँ आपका जैसे हेयर लाइन चला गया या कहीं भी वो है, आप हर एंगल से घुरा के यूज़ कीजिए। सबसे पहले अगर आपका स्कैल्प अच्छा से धो लेने बाद में अच्छा से यूज़ कीजिए ऐसा, एंड बाल का अंदर अंदर साइड भी अच्छा से इस तरह से यूज़ कीजिए। जब आप 5 से 10 मिनट अच्छा से ऐसे यूज़ कर लेगा, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस मत कीजिए, एक लिमिट से आप प्रेस कीजिए। इसे प्रेस करने के बाद आपको थोड़ा देर के लिए, उसके बाद सेकंड चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, मिनोक्सिडिल। ये है मिनोक्सिडिल 5%, मेल के लिए 5% रिकमेंड करता है एक्चुअली। आपका हेयर ग्रोथ के लिए मिनोक्सिडिल काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा वाला चीज़ है। आप बहुत सारा वीडियो देखा होगा यूट्यूब में भी और सोशल मीडिया में भी मिनोक्सिडिल का बारे में, तो आप कहीं से भी कोई भी ब्रांड का लेके आप यूज़ कर सकते हैं, आपको कौन सा सूट करेगा। इसमें कई सारा मिनोक्सिडिल आता है, लाइक एल्कोहल बेस आता है, नॉन एल्कोहल बेस आता है, और काफ़ी सारा मतलब मिनोक्सिडिल टाइप आता है, फॉर्म में भी मिलेगा आपको। आप अपने जो स्किन के हिसाब से परचेस कर लीजिए। इसका प्राइस मैंने मेडिकल स्टोर से लिया था, इसका प्राइस लगभग मुझे पड़ा था 875। तो प्राइस आगे पीछे होता है आपका, इससे ज़्यादा दाम वाला भी, इससे कम वाला भी है, कोई भी आप देख के एक परचेस कर लीजिए फर्स्ट। तो इसका काम ये होता है कि आपका जो जहाँ पे आप डर्मा रोलर यूज़ किया हुआ है वहाँ पे इसे यूज़ करिए तो और भी ज़्यादा इफेक्ट होगा इसका, क्योंकि
क्योंकि ये आपका ब्लड सर्कुलेशन और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है जहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन आना चाहिए। उसके बाद थर्ड, आप सिर्फ बाहर से ही बाहर से सिर्फ करके नहीं होता है, आप इंटरनली भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग 20 या 30 एज के बाद काफ़ी सारा विटामिन हम लोगों को लेना पड़ता है, जो हार्मोन अपने आप से जो बॉडी प्रोड्यूस कम करना शुरू कर देता है, तो हम लोग को एक्स्ट्रा से खाना पड़ता है। तो उसके लिए डेली बेसिस में हम लोग जो खाना से कंज्यूम नहीं कर पाते, तो आप ये यूज़ कर सकता है बायोटिन गोल्ड। इसमें आपको बायोटिन प्लस कैरेटीन बैम्बू एंड ऑनियन एक्सट्रैक्ट एंड काफ़ी सारा चीज़ है यहाँ पे। मैं आप खुद एक बार पढ़ लीजिए, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। मैंने इसे परचेस किया है अमेजोन से, इसका प्राइस है 1350, लेकिन अमेजोन में आपको इसको आई थिंक 1000 से कम ही था प्राइस। आप वहाँ एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसे आप डेली बेसिस में एक बार रात को खाना खाने के बाद या तो मॉर्निंग को आप कभी भी एक टेबलेट खा सकते हैं। एक टेबलेट देखने में कैसा है वो भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूंगा अंदर। तो ऐसा होगा टेबलेट, येलो कलर का आपको टेबलेट देखने के लिए मिल जाएगा इसमें। तो ये तीन चीज़ आप अगर अच्छा से यूज़ करेगा 3 to 4 मंथ, और साथ ही साथ अगर आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो उसे ज़रूर कम कीजिए, जितना सके कम कीजिए, सके तो छोड़ दीजिए। और एक बार एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी एक्सरसाइज हो, कार्डियो हो या कुछ भी हो, दिन में सके तो कीजिए, ताकि उसमें पूरा आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो ऑटोमेटिक आपका हेयर का ब्लड सर्कुलेशन तो हम लोग ये सब चीज़ से एंड मिनोक्सिडिल से करने वाला है। तो इसे आप करके देखिए, अगर आपको कुछ भी रिजल्ट मिलता हो तो वीडियो में मेरे फिर से आइए और मुझे कमेंट कीजिए, तो मुझे भी लगेगा कि मैंने भी आप लोगों का हेल्प किया है। तो अपना एक्सपीरियंस ही मैं जेन्यूनली शेयर किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ये चीज़ के लिए भटकता है इधर से उधर, बार बार कई सारा वीडियो देखता है। बाकी कुछ भी नुस्खा छोड़ दीजिए, ओनियन तेल, ओनियन शैम्पू, कुछ और खुद से ओनियन पीस के लगाना, अदरक पीस के लगाना, सब कुछ बेकार है, वो सब छोड़ो, बस इसमें लगो। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।